देखो भाई दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जितने भी मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ उसमें से दो जो मेन फर्टिलाइज़र हैं जो बहुत आसानी से बन जाते हैं वो कौन से हैं। तो जो दिखने वाले प्रोडक्ट के रूप में हैं, मतलब ठोस रूप में हैं, वो तो दो हैं। इसके अलावा मैं वेस्ट डिकम्पोज़र और वेस्ट डिकम्पोज़र से बनने वाली और भी लिक्विड खाद, माइक्रो ऑर्गेनिज़म वगैरह, पंचगव्य वगैरह और माइक्रो न्यूट्रिएंट वो भी यूज़ करता हूँ, लेकिन इसमें हम दो ही बात करेंगे। एक तो देखो ये इस कट्टे में भरी पड़ी है, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये जितने भी मेरे घर से पेड़ पौधे, बेल और जो पत्ते होते हैं, अमरूद के पत्ते, नीम के पत्ते और यहाँ चंपा के पत्ते मेरे निकलते रहते हैं, उन सबको मैं इसमें कट्टे में भरता रहता हूँ। और ये देखो ये पूरा कट्टा भर रखा है। तो ये तो हो गई सूखे पत्तों की खाद। एक खाद तो ये है जो बहुत ही आसान है मेरे लिए स्टोर करना, तो इसको करता हूँ साइड में। इसके अलावा जो मैं दूसरी खाद यूज़ करता हूँ वो ये है, इस कट्टे में भरी पड़ी है। ये बेसिकली है किचन वेस्ट और पेड़ पौधों की जो भी खाद होती है, लोग इसको छान करके दिखा देते हैं आपको, ये इसमें छनी नहीं पड़ी, कहो तो मैं आपको छान के भी दिखा दूंगा एक छोटी टोकरी से, लेकिन ये इसको थोड़ी देर में छान के दिखाता हूँ। उससे पहले मैं बताता हूँ कि मैं इसको बनाता कैसे हूँ। वैसे तो इसको बनाने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ वो सबसे आसान लगता है मुझे। देख रहे हो आप, जैसे कि ये एक ड्रम है, ये नीला ड्रम, ठीक है, ये नीले ड्रम के नीचे ना छेंक हो रखे हैं। एक्चुअली मैं ये फूटी हुई कैन है जो मैंने कबाड़ी से 20 रुपये में ली थी, और ये एक नीचे बाल्टी के ऊपर रखी हुई है। तो इस बाल्टी के ऊपर क्यों रखी है मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो भी मेरा किचन वेस्ट होता है, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें छिलके हैं, केले के छिलके और खरबूजे के छिलके, लेकिन हम इसमें हरी साग सब्जी और जो भी खाने की चीज़ों का बचता है वो सब इस ड्रम में डालते रहते हैं, ठीक है। अब ड्रम में जब हम डालते हैं तो आपको पता होगा कि खाने के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें लगभग 70-80% पानी होता है। हालांकि आपको केला दिख ठोस रहा है, लेकिन अगर हम इसको निचोड़ेंगे तो इसमें से काफ़ी सारा पानी निकल आएगा। लेकिन इस वाले जो ड्रम है इसको हम निचोड़ते तो नहीं है, लेकिन क्या होता है कि इसमें से ना, जैसे कि अब हमने ये कबाड़ा डाल दिया तो ये इसमें से बहुत छोटा हो जाएगा और इसमें से एक्स्ट्रा पानी सारा का सारा निकल जाएगा जो कि उस बाल्टी में भर जाएगा। अब ये जो बाल्टी में पानी भरता है इसको मैं ये 2 लीटर की बोतलों में भर के रख लेता हूँ। देखो फिलहाल थोड़ा सा बचा है, बाकी सारा मैंने यूज़ कर लिया था फलों के गमलों में डाल के, तो वो सारा का सारा इसमें निचुड़ता रहता है और निकलता रहता है। और ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊँ क्या होता है। जब अगर उस ड्रम के नीचे छेंक नहीं होंगे और पानी नहीं निकलेगा तो वो पानी भी इसी ड्रम में रहेगा, और अगर वो पानी इसी ड्रम में रहेगा ना, तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना छिलके वगैरह, इनमें मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये पानी के होते होते ना गलते नहीं है। एक्चुअल में तो वैसे ज़्यादातर चीज़ें पानी के साथ रहें तो ज़्यादा आसानी से गलती हैं, परंतु ये सब नहीं गलता, ठीक है। ये मैंने ट्राई कर रखा था, तो इसके लिए इसका पानी निकलना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये मेरे को बहुत सही लगता है, इसमें ड्रम में स्टोर करता रहता हूँ मैं, और ये लगता है कि बहुत जल्दी भर जाता होगा, लेकिन जैसा कि आपको देखा अभी मैंने ये इतना सारा सामान डाला है ना, ये 2 दिन में पिचक के एक केले के छिलके से भी कम हो जाएगा। तो आप आइडिया लगाओ कितने दिन लग जाते होंगे भरने में। मेरे को तो ये पूरा ड्रम भरने में 6 महीने लग गए। जितना डालता हूँ उतना ही नीचे धस जाता है, पानी सारा निचोड़ जाता है। और ये पूरे प्रोसेस के लिए पानी निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होना ज़रूरी है, पानी होना ज़रूरी नहीं है। मॉइस्चर से क्या होता है, कीड़े पनपते हैं, इसको खाते हैं और ये सड़ जाता है, और जो कीड़े जो पनपते हैं उनका प्रोटीन बन जाता है। कोई भी कंपोस्ट बिना किसी कीड़े और के बनना संभव नहीं है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट। अगर आपको लगे कि इसमें तो कीड़े बन रहे हैं, गंदी बात हो गई, गलत हो गया, ख़राब हो गया, तो ये आपकी गलत सोच है। प्रकृति का नियम है, कीड़ों के बाद ही होगा, पहले इसमें कीड़े पनपेंगे, कीड़े इसको खाएंगे और फिर कीड़े भी इसमें डीकम्पोज हो जाएंगे, यही प्रोसेस है। तो जब ये सब कुछ भर जाता है, मेरा सूख जाता है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस तरीके के टोकरे में इसको उड़ेल देता हूँ, ठीक है। तो देख रहे हो आप, बिना पानी का माल निकल रहा है। फिलहाल इसमें इतना ही रखूंगा मैं आपको दिखाने के लिए, बाकी मैं बाद में करता रहूंगा। ये देखो, ये जो बाल्टी में लिक्विड भरा हुआ है
ये कोई पानी नहीं भरा मैंने, ये इन्हीं साग सब्जियों का पानी है, इनको मैं बोतलों में भर के रख लूँगा, इसको फेंकूँगा बिल्कुल नहीं। और ये जो टोकरे में निकाला इसको मैं धूप लगा के सुखा लूँगा। इसको फास्ट प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, आप इसको हिला हिला के भी कर सकते हो, जल्दी पूरे तरीके से बन जाएगी खाद, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस होगा। सब कहेंगे 3 महीने में बन जाएगी, पर वो 3 महीने में बनेगी नहीं, फास्ट प्रोसेस यही है। और इसमें मेहनत का काम भी नहीं है, ड्रम में स्टोर करते रहो, फिर उसके बाद ऐसे निकाल के अपना धूप में सुखा के किसी कट्टे में भर लो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोग आपको छान के दिखाते होंगे कि कितनी अच्छी लग रही है, मैं भी आपको थोड़ी सी छान के दिखा देता हूँ। तो ये देखो इस तरीके की ये बन जाती है, बहुत बढ़िया। ये सारा का सारा कबाड़ा जो है, और जिस समय ये बन रहा होता है उस समय तो इसमें से बदबू आती है, परंतु जब ये बन जाता है तब ये बदबू खुशबू में बदल जाती है, मुझे नहीं पता क्यों। परंतु जो भी है, ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट बड़ा अच्छा रहता है हमारा किचन वेस्ट का। और ये जो मैंने बताया आपको, ये छाना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बेकार है, ये आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगना है तो आप इसको पीस के छान के निकाल सकते हो, परंतु मैं तो इसको ऐसे ही डाल देता हूँ, क्योंकि ये काम तो पूरा ही करेगा, और ये भी थोड़ा थोड़ा उसमें जा करके जब इसमें केंचुए बनेंगे मेरी मिट्टी में, वो इसको खाएंगे और इसको और जीरो कर देंगे, और ये हमारे बहुत अच्छी खाद बनेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको दिखाई है 2 तरीके की खाद जो मैं बताता हूँ, और किसी और दिन मैं आपको दूसरी खाद भी दिखाऊंगा। जैसे कि सामने 200 लीटर के ड्रम में वेस्ट डिकम्पोजर बना रखा है मैंने, तो वो लिक्विड खाद मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, और उसका काम अलग होता है। वो बेसिकली उसमें एंजाइम बन जाते हैं जो कि हमारे लिए पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मेरा पर्पस ये रहता है कि वेस्ट डिकम्पोजर से गमलों में जो होते हैं ना केंचुए बहुत आसानी से पनप जाते हैं, तो वो मैं केंचुओं के लिए यूज़ करता हूँ। ये जो है ये न्यूट्रिएंट के लिए यूज़ करता हूँ, और कुछ भी फिर फेंकना क्यों, सब कुछ यूज़ करता रहता हूँ, सब बना लेता हूँ इसी तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें, और बने रहें इसी तरह हमारे साथ इस चैनल पे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।